हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साश्वत रसोई। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड पिज्जा की रेसिपी। ब्रेड पिज्जा हम एकदम इजी वे में बनाएंगे और इसे हम घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट के साथ बनाएंगे और सबसे खास बात, बिना अवन के बनाएंगे। और सब बात तो छोड़िए, अगर आपके पास पिज्जा बनाने के लिए पिज्जा सॉस ना हो तो साथ में ही है पिज्जा सॉस की भी इजी रेसिपी, मगर उसके लिए आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मगर रेसिपी को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में ये बेल आइकन, इसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए अब फटाफट रेसिपी को शुरू करते हैं। अभी मैंने ले ली है एक ब्रेड स्लाइस और अब इस पर हम पिज्जा सॉस अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो ये देखिए, पूरी ब्रेड पे हम अच्छे से पिज्जा सॉस लगा लेंगे। और ये कुछ टॉपिंग्स मैंने तैयार की है। एक प्याज को बारीक बारीक काट लिया है और रेड शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च और ग्रीन शिमला मिर्च को भी बारीक पीसेस में कट कर लिया है। और अब इन टॉपिंग्स को हम इस ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे। आपको जो भी टॉपिंग्स पसंद हो, आप इस पे स्वीट कॉर्न लगा सकते हैं, पनीर के क्यूब्स लगा सकते हैं, जो भी पसंद हो टॉपिंग्स आप इस पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये टॉपिंग्स हम इस पे लगा लेंगे। और अब 1/4 टीस्पून हम इस पे चिली फ्लेक्स हम इस पे स्प्रिंकल कर लेंगे और 1/4 टीस्पून से भी कम हम इस पे ऑरिगेनो भी डाल देंगे। चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर आप इजीली इसे परचेस कर सकते हैं। और अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक इस पे डाल देंगे। और ये ले लिया है मैंने 2 टेबलस्पून मोजरेला चीज़, ये ग्रेटेड मोजरेला चीज़ है। और टॉपिंग्स के ऊपर आप इसे भी अच्छे से डाल दीजिए। तो ब्रेड पिज्जा हमारा रेडी हो चुका है और अब इसे हम कुक करेंगे। तो कुक करने के लिए एक पैन को हम ढककर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेंगे। अब पैन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और अब ब्रेड पिज्जा को इसमें हम डाल देंगे और इस पर डाल देंगे हम 1 पिंच ऑरिगेनो। तो ऑरिगेनो हमने अच्छे से इस पर स्प्रिंकल कर लिया और ढककर इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे। और तब तक हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास पिज्जा सॉस ना हो तो घर पे इसे इजीली कैसे बनाएं। तो इसके लिए हम लेंगे 2 टमाटर और इन्हें हम मोटा मोटा काट लेंगे और इसके बाद हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस लेंगे। और अब एक पैन को गर्म कर लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है उसमें डाल देंगे 1 चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन। और ये देखिए, हल्के से लहसुन का कलर चेंज होते ही पिसे हुए टमाटर भी हम इसमें डाल देंगे और इसे चलाते हुए हल्का सा कुक कर लेंगे। तो ऐसे चलाते हुए हम इसे कुक करेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 पिंच हम इसमें डाल देंगे ऑरिगेनो और 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे टोमेटो केचप। ये इजीली सबके घर में मिल जाता है। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो बस रेडी हो चुका है हमारा पिज्जा सॉस। और अब हम ब्रेड पिज्जा को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, टॉपिंग्स हमारी कुक हो चुकी हैं। तो ब्रेड पिज्जा हमारा रेडी हो चुका है, इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। और अब इसे हम पिज्ज़ा कटर की मदद से कट कर लेंगे। तो देखा आपने, कितनी आसानी से हम ब्रेड पिज्जा घर पर बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और चीज़ी बनकर तैयार होता है।